नमस्कार। देश के सियासी गलियारों में एक ही नाम का चर्चा है, वो नाम है प्रशांत किशोर। और आज खुद प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या है उनका नया प्लान और क्या सोच रहे हैं वो बिहार के बारे में। और इस पूरे इंटरव्यू में हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हैं। तो शैलेंद्र, आप सवाल की बौछार शुरू कीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में हैं तो बिहार की ही बात करेंगे हम। आपने भी बात बिहार की थी जी। अब जनसुराज पे आ गए हैं तो आखिर सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार में आए हैं, बिहार को लेकर क्या प्लान है? बिहार में आने के पीछे जो प्लान है, एक यहाँ पर नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। आज तो कोई चुनाव है नहीं, चुनाव तो अभी बरसों दूर हैं, लेकिन बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई राजनीतिक प्रयास, सही लोग और सही सोच और उसके साथ उनका सामूहिक प्रयास उससे हो, जिससे कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो वो सत्ता परिवर्तन तक ना रुके, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़े। ये जो सोच है जन सुराज की, उसके पीछे क्या सोच है आपकी? किस सोच के साथ आप लोगों के पास जाएंगे और क्या देख रहे हैं? जन सुराज कॉन्सेप्ट का सवाल है, ये तो आप मानेंगे या जनरल पब्लिक समझती है कि कहीं पर भी गुड गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए। अब सुराज का डेफिनेशन जो है, किसको आप सुराज मानते हैं? हर दल या व्यक्ति वो ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुराज है। उसको लेकर कोई कह रहा है कि जो गुजरात में मॉडल है वो सुराज है, कोई कह रहा है जो दिल्ली में हुआ वो सुराज है, यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सुराज है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनता के मापदंडों पर खरा उतरे वो सुराज है। जो बात महात्मा गांधी ने कही कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जब आप कोई नीति निर्धारण करते हैं, सरकार कोई काम करती है, तो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को अगर उसका फायदा न हो तो फिर उसको आप सुराज नहीं मान सकते। मान लीजिए कि बिहार में कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ जगह बिजली या ज़्यादातर जगह पर बिजली आई है, आप अगर सरकार चला रहे हैं, अगर आप नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, तो आप जाकर कह सकते हैं कि ये हमारे सुशासन का परिणाम है कि सड़कें बनी हैं, बिजली आई है। लेकिन अगर आपके गांव में विद्यालय नहीं है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा और अस्पताल में डॉक्टर और दवा नहीं है, तो आपके लिए इस ये सुराज नहीं है, आपके लिए इन रोड का, इस बिजली का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो नाम रखा है वो जन सुराज, जो जनता के हिसाब से गुड गवर्नेंस हो, उसी को गुड गवर्नेंस माना जाए। ये प्रशांत किशोर का सुशासन, नीतीश कुमार का सुशासन, मोदी जी का सुशासन, केजरीवाल का सुशासन, वो उसकी बात नहीं हो रही है, जनता के हिसाब का सुशासन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। ये तो ठीक आपने कहा, लेकिन चेहरा तो प्रशांत किशोर है। बिल्कुल नहीं, एक बात और है, आपने नीतीश कुमार की बात की, गांधी जी की बात की, तो गांधी जी के साथ पाप की बात तो नीतीश कुमार करते हैं, सब जगह खुदवाते हैं उसको। ठीक बात है, गांधी जी की बात तो सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ जो आपने कहा कि चेहरा कौन होगा, चेहरे तो प्रशांत किशोर है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो पूरा प्रयास है नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करने की, ये तीन मूलभूत चीज़ों पर खड़ी है, एक सही लोग, दूसरा सही सोच और तीसरा सामूहिक प्रयास। जो भी समाज में अच्छा है, जो सही लोग हैं, अब सही लोग कौन हैं उसके किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है, लेकिन मेरे डेफिनेशन से, मेरी समझ से सही व्यक्ति वो है बिहार में जो यहाँ के धरती से जुड़ा है, जो जिसका वर्तमान और जिसका भविष्य बिहार के बदहाली या खुशहाली से जुड़ा हुआ है। सही व्यक्ति वो है जिसको यहाँ के मुद्दों की थोड़ी बहुत भी है लेकिन समझ है। सही व्यक्ति वो है जो यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की कुछ क्षमता रखता है। और सबसे बढ़ के सही व्यक्ति वो है जिसके अंदर अभी ये जज्बा है कि बिहार को बदलना है या बिहार को विकसित बनाने की दिशा में कुछ किया जाए। लेकिन आपने एक बार अगर इसको जरा समझा जी। मैंने तीन बात कही, सही लोग, तो ऐसे सारे लोगों को, सारे लोग, उनको आपको चुनना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको एक मंच पर लाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बिहार का जो पिछड़ापन है वो किसी एक व्यक्ति और दल की देन नहीं है। जो लोग बिहार के डेवलपमेंटल जर्नी को अगर आप देखेंगे तो ये 60s के दशक से लगातार आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं। 50 के दशक में बिहार देश के कुछ अग्रणी राज्यों में शामिल होता था,
60 के दशक से वो व्यवस्था धीरे 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 आप पीछे छूटते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता 67 से जो राजनीतिक अस्थिरता आई उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें है। जब राजनीतिक स्थिरता आई तो लालू जी के फॉर्म में आई। लालू जी के राज में उनके लोगों का खुद का कहना है कि भाई हमारा फोकस सामाजिक न्याय पर था, हमने जो सामाजिक तौर पर दबे पिछड़े लोग थे उनको हमने आवाज़ दी। तो किस सामाजिक न्याय नहीं हुआ आपके हिसाब से? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हुआ। मैं इस वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ कि किसने, जो लोग दावा कर रहे हैं उन्होंने किया कि नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार का जो पिछड़ापन है वो पिछले 50-60 साल का परिणाम है। उसमें जो 30 साल का पीरियड है जो लोग अभी भी कंटेंडर हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ लालू जी नीतीश की बात क्यों कर रहे हैं, उनसे पहले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बात सबकी कर रहा हूँ। समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार पीछे इसलिए है कि 67 से, मतलब 60 के दशक से आप पीछे जा रहे हैं। लेकिन वो लोग आज तो राजनीति में, जो लोग 60 और 90 के दशक में यहाँ पर सरकार में थे वो तो आज सरकार में है नहीं, या सरकार का दावा नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो दो लोग दावा कर रहे हैं वो एक लालू जी की पार्टी है और एक नीतीश जी हैं, एक अपोजिशन है और एक सत्ता में है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी दावा कर रहे हैं, लालू जी की पार्टी कह रही कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया, मैं कह रहा हूँ चलिए मान लिया। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया, मैं कह रहा हूँ चलिए मान लेते हैं। लेकिन जहाँ ये सच्चाई है, जो दावे वो कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया, अगर इसको सच्चाई भी मान ले तो भी दूसरी सच्चाई का पहलू, दूसरा पहलू ये है कि बिहार देश में आज सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग वो बिहार में हैं। इस बात, इस सच को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस रास्ते पर चलकर आप आ रहे हैं 20-25-30 साल से, उस रास्ते से तो बिहार को अगले 15-20 साल में भी विकसित नहीं बनाया जा सकता है। तो कोई एक नई सोच और नया प्रयास होना चाहिए। अब कौन करे वो नई, किसकी नई सोच हो, कौन वो प्रयास कर सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा दावा कर रहा है, कोई दल ऐसा दावा कर रहा है, तो वो दो ही बात हो सकती है, या तो वो खुद बेवकूफ़ है या सिरे से सबको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि 50 साल का जो पिछड़ापन है वो कोई एक व्यक्ति और एक दल सुधार नहीं सकता है। इसके लिए जो मैं तीन बातें कह रहा हूँ, इसके लिए बिहार के सही लोगों को साथ में आना पड़ेगा, उनको एक सही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं, ये तो ठीक है। यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और अगर जो हमको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इसको बदल देंगे। किसने रोका उनको विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए? उनकी सरकार है यहाँ पर, एनडीए। पहले उनका ये था कि भाई हम विशेष राज्य, अगर मान लीजिए कि पहले तो ये मानना कि सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ये असेसमेंट ही गलत है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये विशेष राज्य के दर्जा मिलने से बिहार की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तो भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आपके जो मेन एलआई हैं जिसके दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, वो केंद्र में है, दर्जा देना उनको है और आपको मांगना है, तो आपको रोक कौन रहा है? कितनी बार आप मुझे ये बताइए, पिछले एनडीए की सरकार 2017 से यहाँ पर है, आज 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष में कितनी बार मीटिंग हुई है विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर? मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जो कह रही है, हम उनके पार्टी में खुद थे। आप मुझे बताइए कि किस दिन ये बात हुई है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आज प्रधानमंत्री के यहाँ सारे दल के लोग या नीतीश कुमार वहाँ बैठे हुए हैं या मीटिंग कर रहे हैं? मुझे तो ध्यान नहीं, अगर आपको ध्यान है तो आप बता दीजिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने पास कर दिया है, सर्वसम्मत से विधानसभा में पास हो गई है, वहाँ है। आपको जब चुनाव लड़ना होता है, आपको सीट की ज़रूरत होती है, एक MLC को का डिसाइड होना होता है, तो उसके लिए आप घंटों बैठते हैं उनके साथ। और जहाँ लोगों का सवाल है, 13 करोड़ लोगों का भविष्य का सवाल है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा से ही बात बनेगी, तो उसमें आपने एक खाना पूर्ति कर दी, एक लेटर भेज दिया, हो गया। आपको किसने रोका है? दिल्ली में बैठिए ना भाई आप। नीतीश जी ने दिल्ली में एक रैली करी थी, मुझे याद है, अधिकार रैली 13 में विशेष राज्य के दर्जे को 13 के बाद। आप दर्शकों को बता दीजिए कि नीतीश कुमार ने कौन से नए प्रयास किए हैं, और खासकर 17 के बाद, जबकि सरकार दिल्ली में भी इनकी है और बिहार में भी इनकी। लेकिन आप तो आए थे ना नई सोच के साथ उनके साथ, बिहार में बाहर है नीतीश से कुमार है, तो उस समय क्या आपको लगता था कि बिहार में विकास हुआ है? आपने जो नारा दिया था यहाँ पर, और आज लग रहा है कि बिहार बहुत पिछड़ गया है। ऐसी बात नहीं है, उस
समय जो लगता था वो बात एकदम कायम है कि जो नीतीश कुमार का दो कार्यकाल रहा है उसमें बिहार का विकास हुआ है। मैं तो इससे इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो विकास काफ़ी नहीं है। वो विकास जितने पीछे आप हैं वो काफ़ी नहीं है। जिस रफ्तार से बिहार को बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। जहाँ तक आपने कहा कि आपने नारा दिया था, नारे के साथ साथ मैंने सात निश्चय की भी बात करी थी। बिहार के 40,000 गाँव से ये बात निकाली गई कि भाई अगर अगले 5 साल सरकार में, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, कि 5 साल सरकार को आना है तो सरकार की प्रायोरिटी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उसके आधार पर 7 निश्चय का प्रोग्राम बनाया गया। उसके साथ साथ ये भी परिकल्पना की गई कि जो बिहार की मशीनरी है, जो सरकार है, अगर इसको आगे बढ़ाना है, इसको बेहतर इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको लेटरल इंट्रेंट्स को लाना पड़ेगा देश भर से। लेटरल इंट्रेंट का मतलब कि देश भर से जिस व्यक्ति जिसके पास भी वो प्रतिभा है, कैपेबिलिटी है, उसको लाइए, बिहार सरकार के साथ उसको मिलकर काम करने का मौका दीजिए। बिहार विकास निगम भी बना है, बिहार विकास मिशन की को बनाया गया, लेकिन सरकार में तो उसके बाद से नीतीश जी हैं, हम तो सरकार में है नहीं, हम तो कोई मिनिस्टर बने नहीं है। आप भी तो जुड़े थे बिहार विकास मिशन से। बिल्कुल, जब मैं एडवाइजर के तौर पर उनके साथ 15 में जुड़ा तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो मैंने उस एजेंडे को तय करने में मदद की कि भाई ये 7 पॉइंट प्रोग्राम है जिस पर कि आपको काम हम सरकार को करना चाहिए, और करने के लिए और वो तेज़ी से हो इसके लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई। अब 7 पॉइंट प्रोग्राम में जो सबसे पहला प्रोग्राम है, एक ही उसमें लोगों को याद है, नल का जल। लोग ये भूल गए हैं कि उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी बात हुई थी, उसमें बेरोजगारों को मंथली भत्ते की भी बात हुई है। अब आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं सरकार से, सरकार से ये तो पूछिए कि साहब आप 7 निश्चय जो कर रहे हैं, जो आपने कहा पहला उसमें ये था युवाओं को बल, आर्थिक हल, युवाओं को बल, और उसका पहला प्रॉमिस ये था कि जो बिहार में बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, या तो उनको नौकरी मिले, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिले कम से कम उनको 1,000 रुपया महीना सरकार देती रहेगी। आप जरा सरकार से पूछिए कि उस 7 साल में कितने लोगों को ये मिला। उसका दूसरा पहलू था कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं 12वीं के बाद, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनके रोजगारी की संभावना बढ़े, उसके लिए सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पे एक तर्ज पे एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी। आप जरा सरकार से पूछिए कि कितने लोगों को दिया गया है। बिहार के 7 निश्चय प्रोग्राम का हिस्सा था कि सारे नलियों और गलियों का पक्कीकरण होगा पूरे राज्य में। उस समय जो उसका एस्टिमेट किया गया था, जो नीतीश कुमार जी ने अपने हर भाषण में 2015 में कहा है, करीब करीब 3 लाख करोड़ 5 वर्ष में उस पर खर्च होने थे। भाई पटना में जब नली और गली और सड़कों की हालत आप देख लीजिए, पूरे बिहार की तो बात ही, तो आपके मुताबिक आप ये कह रहा हूँ क्या, हम जिस कैपेसिटी में उनके साथ काम कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से मैंने उस समय एजेंडा को बनाने में लोगों की भावनाओं के मुताबिक जो एजेंडा बने वो बनवाया। आपके पब्लिक डोमेन में 7 निश्चय हम कर रहे हैं, कोई कमरे की बात नहीं हो, तो नीतीश कुमार जी ने खुद स्वीकार किया है सरकार उसी पर सो कॉल्ड चल रही है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के में एक पावर बूस्टर के तौर पे बिहार विकास मिशन, और उसके जरिए दुनिया भर में सबसे काबिल लोगों को जो आकर बिहार में काम कर सकते हैं, सरकार से जुड़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसकी परिकल्पना की गई। अब आप उसको 7 साल से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर उसको आधा सुधा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा। तो आपके मुताबिक ये आपने जो कि जो आप जो हम लोग मिलके जो प्रोग्राम आप हमने करा था, आपने जो प्रोग्राम किया था वो आपके सफल नहीं है बिहार सरकार के, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 7 प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सरकार से आप उस पर व्हाइट पेपर मांगिए, और नहीं तो मैं 2-3 महीने में मैं रिलीज करता हूँ। एक बार आप रिलीज करेंगे श्वेत पत्र? बिल्कुल, 7 निश्चय पर श्वेत पत्र जारी कर अपनी ओर से हम लोग रिसर्च करा के उसको सर बिहार के जनता के सामने रखेंगे अगले 3 महीनों में, 3 महीने के अंदर, कि हर जो प्रॉमिस 7 निश्चय में 2015 में किया गया था, उस प्रॉमिस के अगेंस्ट सरकार ने अभी तक क्या किया है। चाहे वो पहला रोजगार और भत्ते की बात है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात है, या स्टार्टअप की बात है, दूसरा जो उसमें सड़कों नलियों गलियों के पक्कीकरण की बात थी, तीसरी बिजली की बात थी। अब बिजली सिर्फ ये बात नहीं थी कि बिजली का लाइन खींच दिया जाएगा, निरंतर बिजली की बात थी, निरंतर बिजली की बात थी। आज भी जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम आए तो बिजली आ गई, ठीक है, इसके लिए साधुवाद है, इसीलिए तो आपको चुनाव, अगर आप बिजली लेकर आए हैं, सड़क बनवाई है, तो कोई एहसान थोड़ी ना किया है भाई, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बना रखा है 15 साल से। बिहार में मैं बिजली को लेकर आपको बताना चाहता हूँ, बिजली
आई, अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद है, सरकार में आपको लोगों ने चुनकर रखा है, लेकिन प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है वो बिहार में आज भी देश में न्यूनतम है। व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास पैसा ही नहीं है कि वो बिजली एक बल्ब जला सकता है, एक फैन चला सकता है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, तो बिजली की खपत है कितनी? दिल्ली जैसे एक छोटे से शहर में जितनी बिजली की खपत होती है, पूरे बिहार में उसकी आधी खपत है, पूरे बिहार में बताइए 13 करोड़ मिलकर लोग जितना बिजली कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा बिजली खाली दिल्ली शहर में कंज्यूम होती है। नहीं, ये बात दिल्ली, और दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, लेकिन लोगों के पास बल्ब और पंखे के साथ साथ दूसरे चीज़ों के लिए भी साधन है जिससे, जिसके लिए बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप जो ये नाराज नहीं, प्रति व्यक्ति देखिए, आप ये कहना कि हमने बिजली ला दी, अरे ठीक है, पहले अंधकार था, बिजली का तार खिंचवा दिए, लेकिन बिजली कंज्यूम करने की लोगों की क्षमता तो होनी चाहिए। ये बताइए प्रशांत जी, ये नाराजगी आपकी दिख रही है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ जी, मैं नाराज नहीं, तो नहीं। 13 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं बिहार के लिए, आप नाराज आप दिख रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार से नाराजगी है कि उनके सरकार से? आप देखिए, नीतीश कुमार से तो मेरे कितने अच्छे संबंध हैं, आप लोगों को पता है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। अभी आए थे दिल्ली तो घर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया, वो सब ठीक है। क्या बात हुई? बात ये हुई कि उनको कोरोना यहाँ हो गया था, वहाँ आए थे तो एक सोशल शिष्टाचार है, उनको मिलने गए थे, मिलने गए, अब साथ में बैठे, खाना खाए, आए। तो समझ में आया कि आपको जेडीयू में फिर से लाने के प्रयास था? जेडीयू का कोई, जेडीयू में आने जाने का, किसी दल में आने जाने की बात नहीं है। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि बिहार आपको में कुछ पोस्ट भी ऑफर किया गया था, बिहार में जो 30 साल, मूल बात जो है, जो बिहार में 30 साल से हुआ है, मैं, मुझे उसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि कुछ काम हुआ होगा, मुझे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि लालू जी के टाइम में सामाजिक न्याय पर बात हुई होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई, इन सब के बावजूद हमारी स्थिति आज भी, बिहार की स्थिति बदहाल और बदतर है। इसको बदलना है तो बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति, नीतीश कुमार ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रशांत किशोर भी कोई नहीं कर सकता है, कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, या उसको यहाँ के समस्याओं की और समस्याओं के पूरे प्रारूप की समझ नहीं है। इसको करने के लिए बिहार के लोगों को, सही लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और मेरा अभी जो पूरा कमिटमेंट है, मेरा जो पूरा प्रयास है, इसी दिशा में है। अभी कोई चुनाव है नहीं, मैंने घोषणा करी हुई है कि मैंने कोई पार्टी अभी बनाई नहीं है। एक साथ लोग अगर आएँ और सब मिलकर ये तय करेंगे कि एक नए मंच या नए दल की ज़रूरत है, तो दल बनाया जाएगा। अच्छा, एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि सही लोग, क्या लगता है कि अभी सही लोग नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं कि 100 विधायक अच्छे विधायक हैं? अगर बिहार में 100 अच्छे विधायक बनेंगे, उससे व्यवस्था बदलेगी। अगर बिहार में 4,000-5,000 मुखिया सही लोग बन जाएंगे, उससे व्यवस्था बदलेगी। एक व्यक्ति या एक दल के बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदलने वाली, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। अगर आप नीतीश कुमार को हटाकर प्रशांत किशोर को बना देंगे, प्रशांत किशोर को हटाकर चिराग पासवान को बना देंगे, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक आप नीचे से नई चीज़ खड़ी नहीं करते हैं, जो लोग लालू जी की सरकार में थे, ज़्यादातर वही लोग आज नीतीश जी के सरकार में हैं। कोई नई व्यवस्था आएगी तो उसमें भी वही लोग आ जाएंगे। यही सोच लेकर के प्रशांत किशोर जनता के बीच जा रहे हैं, यही सोच लेकर लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई साहब, कोई भी आदमी, कोई भी दल, आपकी जो आज की स्थिति है, आपका जो वर्तमान है, जो आपका आने वाला भविष्य है, अगर उसको बेहतर बनाना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। सुराज की, जन सुराज की जो भावना है, पीपल्स गुड गवर्नेंस की जो बात है, उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, सब लोग मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी गठन करें, जो प्रयास करें, वो सब मिलेंगे तभी बात होगी। प्रशांत किशोर आए, उन्होंने एक पार्टी बना दी, खुद ही उसके अध्यक्ष बन गए, अपना फोटो लगा लिया और कह रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हम ठीक कर देंगे। ये इस परिकल्पना को मैं पूरे तरीके से खारिज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के लोग आएँ, एक साथ आएँ, वो बैठें, उनको अगर दल बनाना है तो दल बनाएं, और वो फिर आगे 10-15 साल का खाका खींचें। साथ निश्चय कोई प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की परिकल्पना नहीं है, वो तो बिहार के लोगों ने बताया कि भाई हमारे यहाँ नली गली बनना चाहिए, हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहिए, हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए, हमें बिजली चाहिए। ये प्रशांत किशोर ने नहीं बताया, ये नीतीश कुमार की सोच नहीं है, ये बिहार के लोगों ने बताया। अच्छा, एक चीज़, ये बात आप कह रहे हैं, एक चीज़ और इसी से सवाल निकलता है कि क्या जो आप कह रहे हैं कि लालू जी के लोग नीतीश जी के साथ हैं, प्रशांत किशोर के साथ वो लोग नहीं होंगे?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सत्ता का परिवर्तन होता है बिहार के संदर्भ में, आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि एक सेट ऑफ लोग जो हैं, 500 लोग अगर आप देख लेंगे जो सो कॉल्ड राजनीतिक चेहरे हैं, दल बदलते हो सकते हैं, दलों के नेता बदल सकते हैं, लेकिन वो 500-600 लोगों से बाहर सत्ता जाती नहीं है। उस साइकिल को अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो समाज में बहुतेरे लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनकी काबिलियत है, जिनमें कुछ करने का जज्बा बाकी है, लेकिन उनको राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का या चुनाव में भागीदार बनने का मौका ही नहीं है, क्योंकि दलों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो करीब करीब बंद है। दल किसी नए आदमी को इतना, मान लीजिए कि 100 लोग को चुनाव लड़ाया जदयू या आरजेडी, तो 2-4-5 नए लोगों को टिकट दे सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जो पहले से लोग हैं उसी को घुमा फिरा कर टिकट मिलता है। तो ये कहा, आदमी पिछली बार हारता है अगली बार जीत जाता ये, ये, ये कहा जाए दिल्ली वाली व्यवस्था बिहार में लागू करेंगे प्रशांत जी? कौन सी दिल्ली वाली व्यवस्था? जो आपकी पार्टी की व्यवस्था थी। नहीं, मैं मेरा पूरा इंस्पिरेशन महात्मा गांधी और उनके कहे हुए बात से है। अगर मैं किसी चीज़ से इंस्पायर हूँ तो प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस थी, जिस तरीके से कांग्रेस चलती थी, आप देखिए आज़ादी से पहले कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान करना चाहता था वो क्या करता था? आप किसी वर्ग के हैं, किसी समुदाय के हैं, किसी बैकग्राउंड के हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते थे। और कांग्रेस की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी उसकी बात कह रहा हूँ, उसमें आपकी क्षमता योग्यता के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ करने को मौका मिल जाता था। आप आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गए, कोई गांव में काम किया, किसी ने ब्लॉक में काम किया, कोई राज्य तक पहुंचा, कोई देश का नेता बन गया। जो लोग कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे, जिसको हम आज़ादी के बड़े नेता मानते हैं, वो उनके परिवार की पार्टी कांग्रेस नहीं थी, उनके जात की पार्टी कांग्रेस नहीं थी, वो एक सामूहिक प्रयास था, एक सामूहिक लोकतंत्र के अंदर एक सामूहिक प्रयास था। मेरी परिकल्पना बिहार में वो है कि एक ऐसी पार्टी अगर पार्टी बने तो लोग आकर बनाएं और उसको एक लोकतांत्रिक चार्टर के हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। उसमें जो अगर शैलेंद्र जी उसमें जीत कर आते हैं तो शैलेंद्र जी उसके प्रेसिडेंट बने। भाई कांग्रेस के स्वतंत्रता के पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हर साल एक नया आदमी प्रेसिडेंट होता था, और ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट बना अब उसका लड़का अगली बार प्रेसिडेंट बनेगा। वो चीज़ इस देश ने किया है, देखा है, तो उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? वही सामूहिक प्रयास है। अच्छा प्रशांत जी, एक बात बताइए, परिवारवाद के खिलाफ हैं आप या समर्थन में? जो व्यवस्था है, परिवारवाद जो है वो बहुत बड़ा एक ड्रैग है लोकतंत्र पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है लोकतंत्र, इसको आपको मान कर चलना है कि कुछ ना कुछ तो ये रहेगा ही। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, खुद से ये कमिट कर सकते हैं कि मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टियाँ हैं वो परिवार और परिवार के इर्द गिर्द चल रही हैं या परिवार के लोगों, इसलिए मैं बार बार जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है या जिसका कोई परिवार के जिसका कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चाहे उसकी काबिलियत कितनी हो, चाहे उसकी सोच कितनी अच्छी हो, उसको राजनीति में आकर, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप मंच दे रहे हैं? मैं मंच दे नहीं रहा हूँ, मैं उनको जाकर ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि साहब अगर आप सब हम लोग साथ में आएंगे तो ऐसे मंच और ऐसे मंच को बनाने की अगर परिकल्पना होती है तो ये किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि बहुत लोग इसलिए बैठे हुए हैं बाहर कि वो सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। मेरी भूमिका इतनी है कि मैं वो विश्वास दिलाऊँ कि अगर हम लोग साथ में आएंगे तो एक लोकतांत्रिक मंच और लोकतांत्रिक मंच बनाने की हम बात करते हैं तो ये बनाया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है, और अगर आप उसको ठीक से चलाएंगे तो उससे व्यवस्था भी बदलेगी, सत्ता भी बदलेगी और सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलेगी। मेरा काम इतना ही है। अच्छा, सत्ता और व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जो प्री इंडिपेंडेंट कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज भी आप कांग्रेस के पास कुछ दिन पहले गए थे, फिर आपने खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस को भी यही बात बताई, जो एग्जैक्ट बात हुई प्राइवेट में वो तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस को भी यही बात बताई कि अगर कांग्रेस को अपने आप को पुनर्जीवित करना है, मजबूत बनाना है, तो आपको प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस का मॉडल था, जिसमें कि जनता की सहभागिता और सामूहिक प्रयास का आप एक नमूना थे, वही बनना पड़ेगा। परिवारवाद से निकलना होगा। देखिए, वो अपने आप जब आप दरवाज़ा खोलेंगे
तो अपने आप परिवार की भी चिंता हो जाएगी उसमें, और जो करप्ट है या कम कैपेबल लोग हैं ऊपर काबिज बैठे हुए हैं किसी भी दल में, वो अपने आप उसकी चिंता हो जाएगी। तो बात कोई आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं चाहता है, वो जानता है कि नीचे से कोई काबिल आदमी आ जाएगा। भाई हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, महात्मा गांधी के न चाहने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़के कांग्रेस में। जी बिल्कुल, 1940 के। अगर वो संभव है तो आप समझिए कि आज के ये आज भी संभव है। लेकिन क्या उसके लिए उस समय जो कांग्रेस थे आज है? नहीं, अरे नहीं है, इसीलिए तो उनकी ये दुर्दशा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नहीं है इसीलिए दुर्दशा है। मुझे बिहार में आकर एक दल बनाकर चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले आता, तो चुनाव के साल भर पहले। तो बात कहाँ अटकी, 4 साल पहले आके बैठा हूँ। मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास एक नई राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना है। आपने पूछा कि वो किससे इंस्पायर है, मैं ये बता रहा हूँ कि वो गांधी के उस कांग्रेस से इंस्पायर है जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात कही गई है। वही बात मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि बिहार ही क्यों, क्या बिहार को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पे आप बनाना चाहते हैं? नहीं, और इसको बिहार ही क्यों, ये अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि चूंकि मैं बिहार से हूँ इसलिए बिहार को चुना, ना ऐसी बात नहीं है। पिछले 1 साल में मैंने इस चीज़ को खूब गहराई से देखना समझने की मैंने कोशिश की। बिहार मेरा अपना राज्य है, एक आपको दर्द है कि भी आज भी इस राज्य की ये बदहाली है, वो एक फैक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और बड़ी बातें कि बिहार राजनीतिक तौर से बहुत प्रबुद्ध लोगों की जगह है। ये सिर्फ जैसा बताया जाता है कि गरीब, पिछड़े, बेवकूफ़, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग, मुझे जो मेरी अपनी समझ है, इतने राज्यों में मैंने काम किया है, पूरे देश में काम करने का मौका मिला है, सबसे प्रबुद्ध लोग जो राजनीतिक तौर से है वो आपको बिहार में मिलेंगे। ये जो भूमि है, जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि भाई जो बच्चा पैदा होता है उसको व्यापार की समझ होती है। बिहार में जो लड़के हैं, बिहार यूपी में जो लड़के हैं, जब शुरू करते हैं इनको राजनीति की एक बेसिक समझ है, ये इस भूमि की देन है, इसलिए ये प्रयास यहाँ कर रहे हैं। और अगर आप बिहार में कुछ अच्छा ऐसा करेंगे, प्रयोगशाला नहीं है, अगर आप कुछ बिहार में करके दिखाएंगे तो वो बात बिहार तक नहीं रुकेगी, वो बिहार के बाहर, क्योंकि बिहार आगे तक जाना, बिहार के बाहर जाना है। नहीं, मैंने ट्वीट में ही लिखा है कि शुरुआत बिहार से। मैं बिहार में कोई रीजनल पार्टी बनाने नहीं आया हूँ कि मैं बिहार में आऊँ, कोई रीजनल पार्टी बना लूँ, उसका अध्यक्ष बन जाऊँ, उसका चुनाव लड़ाकर उसको जीता जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिहार, एक नई राजनीतिक व्यवस्था के बनने का केंद्र बने, उसका गवाह बने, यहाँ के लोग साथ में आएँ, एक सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करें, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम उठाएँ और देश के सामने एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करें कि भाई हम साथ में आकर क्या कुछ कर सकते हैं। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24